मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा हमने टू वेक्टर्स के साथ में किया, अगर दो सपोज टू वेक्टर्स गिवन है तो उसमें हमने ए क्रॉस बी किया, दैट इज द वेक्टर प्रोडक्ट, और उसको हमने बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट है, और ए डॉट बी किया जो कि हमें स्केलर वैल्यू दे रहा था, सो दैट्स वाई बिटवीन टू वेक्टर्स उसको हमने बोला स्केलर प्रोडक्ट, राइट। व्हेन यू गेट द स्केलर वैल्यू दैट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट एंड दैट इज द ए डॉट बी। तो दो वेक्टर्स के बीच में वर्कआउट कर चुके, नाउ कम्स द थ्री वेक्टर्स। इफ ए बी सी देर आर थ्री वेक्टर्स तो दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, और तीन वेक्टर्स को डॉट या क्रॉस का प्रोजेक्ट यूज करके हम इस तरह से वैल्यू निकालें कि अगर हमें उसमें स्केलर वैल्यू मिलती है तो उस चार्ट में लिखा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड इफ यू गेट द वेक्टर क्वांटिटी वी आर यूजिंग द डॉट एंड क्रॉस, राइट। इफ यू आर गेटिंग द वेक्टर क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, राइट। तो थ्री वेक्टर्स को प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स को देखिए ऐसा लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, लेट ए बी सी बी थ्री वेक्टर्स, और पहले हम इसको इसका मीनिंग समझ लें कि किस तरह से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। सो इफ सपोज यू राइट द ए डॉट बी, ए डॉट बी डॉट सी, तो देखेंगे हमें क्या शो करता है। ए डॉट बी क्रॉस सी लिखेंगे तो क्या शो करता है, देन विल से द ए क्रॉस बी डॉट सी अगर लिखेंगे तो क्या शो करता है, एंड फोर्थ वन इज द ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो क्या मीनिंग शो करता है। हम तीन वेक्टर्स के बीच में दोनों डॉट्स लगा दी और एक डॉट एक क्रॉस यूज कर दिया, एक क्रॉस डॉट यूज कर दिया है, और दोनों क्रॉस यूज कर दिए, राइट। तो देखिए फर्स्ट इस पॉइंट को समझें, दीज कैन बी द सिचुएशंस बिटवीन द थ्री वेक्टर्स, दीज कैन बी द फोर सिचुएशंस, राइट। तो फर्स्ट देखिए, अगर ए डॉट बी अगर हम कर रहे हैं ए डॉट बी, तो यहाँ पे एक स्केलर वैल्यू मिल जाएगी, डॉट प्रोडक्ट करने से स्केलर वैल्यू मिलेगी, सो ए डॉट बी वैल्यू, दिस वैल्यू इज ए स्केलर, राइट। और दूसरा, अगर ये वेक्टर है तो ये दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई द स्केलर एंड व्हेन यू आर टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट विद अनदर वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए भी दो वेक्टर्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि जो कांस्टेंट है या स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकती है बट डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकता, क्योंकि डॉट अगर हम लगाते हैं तो वो डॉट प्रोडक्ट को इंडिकेट करता है, राइट। सो दिस पर्टिकुलर थिंग बिकम्स द मीनिंगलेस, दिस बिकम्स द मीनिंगलेस, ऐसा लिखना ही गलत हो जाएगा कि अगर आप लिखें कि ए डॉट बी डॉट सी, दिस स्टेटमेंट दिस राइटिंग दिस वे इट इज अ मीनिंगलेस वर्ड, राइट। दूसरा देखिए, अगर इस तरह से लिखा हो कि ए डॉट बी लिखा हो, तो ए डॉट बी से जो जो वैल्यू मिलेगी दैट इज द स्केलर वैल्यू, सो दिस अगेन इज ए स्केलर वैल्यू, और उस स्केलर को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है सी के साथ में, तो अगेन द सेम थिंग, वेदर इट इज, देखिए डॉट प्रोडक्ट हो, डॉट हो या क्रॉस हो, अगर उसको किसी वेक्टर से करना है तो वो दो वेक्टर्स के बीच में पॉसिबल है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करना या क्रॉस प्रोडक्ट करना दो वेक्टर्स के बीच में पॉसिबल है, एक कांस्टेंट को एक वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते, या एक स्केल कांस्टेंट को दूसरे वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर सकते, तो दोनों चीजें मीनिंगलेस हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी हमें ये वेक्टर है और इसका इस कांस्टेंट को उसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहता है, तो अगेन इट बिकम्स द मीनिंगलेस, नाउ दिस अगेन बिकम्स द मीनिंगलेस थिंग, तो ये दोनों गलत बात हो जाती है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल बोल सकते हो, और यू कैन से द इट इज अ मीनिंगलेस स्टेटमेंट, फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स, राइट। लेकिन देखिए, जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो आपको वेक्टर मिलेगा, ए क्रॉस बी करेंगे तो वेक्टर मिलेगा, राइट। वेक्टर मिलेगा और वेक्टर का एक डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इसके साथ में, अनदर वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, वेक्टर इज डॉट प्रोडक्टेड विद अनदर वेक्टर, सो डॉट प्रोडक्ट में हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर वैल्यू मिलेगी, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर गेटिंग द स्केलर वैल्यू बाय यूजिंग द थ्री वेक्टर्स बिटवीन क्रॉस एंड डॉट. अल्टीमेटली वी आर गेटिंग द स्केलर वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. और ध्यान रखें शॉर्ट में आगे से हम इसके लिए एसटीपी यूज करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करेंगे. शॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा, ठीक है. इसके बाद फोर्थ देखिए, अगर ए क्रॉस बी आपने किया तो ए क्रॉस बी करने पे वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी. और उसके साथ में एक और बात बताना चाहूंगा, ये जो ब्रैकेट में यूज किया है, सो यू कैन यूज बी एंड सी टुगेदर, या सी और ए को किसी को भी यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो वी विल गेट द वन वेक्टर. और देखिए यहाँ पे एक वेक्टर मिलेगा, वेक्टर मिलेगा वन वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं सी वेक्टर के साथ में. वेक्टर को जब क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में, सी वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, देन यू विल गेट द वेक्टर वैल्यू, वेक्टर वैल्यू मिलेगी. दैट्स व्हाई इट इज नोन द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. सो द डबल क्रॉस इज देयर, डबल क्रॉस इज देयर, अल्टीमेटली वी आर गेटिंग द वेक्टर वैल्यू. सो इट इज अ वेक्टर, बेसिकली वेक्टर, राइट. सो व्हेन वी आर गेटिंग वेक्टर, इट इज कॉल्ड द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. इन शॉर्ट वी विल राइट द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वीटीपी, और शॉर्ट में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को एसटीपी हम डिनोट करेंगे. इसके बाद आते हैं, देखिए ये तो बातें हुई, इसमें से आपके दो देख रहे हैं ये मीनिंगलेस हो गए, और अदर टू बिकम्स द एसटीपी एंड वीटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. ये दो अलग सेगमेंट्स हैं, दोनों अलग अलग हम लोग समझेंगे. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसके रिजल्ट्स, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट उसके रिजल्ट्स, देन विल गो टू द फोर वेक्टर्स. फोर वेक्टर्स पे भी जाएंगे, फोर वेक्टर्स को कैसे वर्कआउट करते हैं, उसका क्या मीनिंग निकलता है, उस पे भी काम करना है. सो फर्स्ट वी आर टेकिंग द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शॉर्ट में एसटीपी बोलेंगे जब भी कभी यूज करेंगे. सो दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. लेट ए बी सी बी थ्री नॉन जीरो, नॉन जीरो वैक्टर्स, देन देन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डॉट सी इज नोन एज, नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, ऑफ थ्री वेक्टर्स. और उसको हम ऑल्सो डिनोटेड एज, दिस इज ऑल्सो डिनोटेड एज ए क्रॉस बी, दिस इज ए क्रॉस बी डॉट सी इज गिवन बाय द ए बी सी. देखिए ध्यान रखेंगे कि बॉक्स जो बनाएंगे, ये बॉक्स में यहाँ कॉमा वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट वैल्यू लिखनी होती है, थोड़ा डिस्टेंस पे लिखना होता है. तीनों वेक्टर्स को आप लिख दो, थोड़ा स्लाइट डिस्टेंस पे लिख दो, और इसको बॉक्स में लिख दो. सो दैट इज नोन एज द बॉक्स ऑफ ए बी सी, बोला ऐसा जाता है बॉक्स ऑफ ए बी सी, राइट. दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैल्यू, राइट. सिमिलरली अगर हम मान लीजिए बी सी ए का कर रहे हैं, सिमिलरली इफ यू आर डूइंग द बी क्रॉस सी डॉट ए एंड दैट इज नोन एज द बॉक्स ऑफ बी सी ए, उसी ऑर्डर में लिखना है, बी सी ए लिखना है. लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, इधर डॉट प्रोडक्ट है, सो दिस विल बी रिटन लाइक दिस, दिस इज नोन एज द बॉक्स ऑफ बी सी ए, बॉक्स ऑफ बी सी ए मीन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी एंड ए वेक्टर. सिमिलरली ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, सी क्रॉस ए एंड डॉट बी, तो उसको आप जो लिखोगे सी ए और बी लिखेंगे, थोड़ा डिस्टेंस में लिखेंगे, डिस्टेंस
एंड दिस इज नोन एज द बॉक्स ऑफ सी ए बी, बॉक्स ऑफ बी सी ए, बॉक्स ऑफ ए बी सी। इसके बाद में आता है इसमें ये देखना होता है कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्योमेट्रिकली ये चीज क्या डिनोट कर रही है। ठीक है, दैट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलोपाइप्ड। वो हम समझते हैं कि ये चीज वॉल्यूम ऑफ पैरेलोपाइप्ड कैसे बनाती है। सो देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज देयर एंड देन वी आर गोइंग टू टेक द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट। सो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मीन्स व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, कि ये जो चीज है हम लिख रहे हैं दैट इज द बॉक्स ऑफ एबीसी। बॉक्स ऑफ एबीसी को हमने लिखा ए क्रॉस बी डॉट सी, राइट? दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, हियर इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए ये चीज क्या शो करती है, वही पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि ये शो करता है वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप्ड, और वो मैं बनाता हूँ किस तरह से कि दिस इज द पैरेलल पाइप्ड इज देयर। एक पैरेलल पाइप्ड बनाएंगे एंड देन विल सी हाउ इट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ दैट, राइट? सो दिस इज द पैरेलल पाइप्ड, राइट? दीज आर द साइड्स, कंटिन्यूस साइड्स। दिस इज द साइड ए वेक्टर, लेट्स से, एंड दिस इज द बी वेक्टर। इट इज शोइंग द बी वेक्टर एंड दिस इज द सी वेक्टर, राइट? और इनके नेमिंग कर देते हैं, लेट्स से दिस इज ओ ए एंड दिस इज बी एंड सी। ओ ए बी सी इज देयर। ये जो पर्टिकुलर वेक्टर है ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर, दैट इज द बी वेक्टर, एंड ओ सी वेक्टर। दिस ओ सी वेक्टर इज द, दिस इज द पॉइंट सी इज देयर, ए बी सी ये आ गए। लेट्स से यहाँ पे कोई डी पॉइंट ले लेंगे, ओ डी वेक्टर बोलेंगे इसे, ओ डी वेक्टर, एंड दिस इज सी वेक्टर इज देयर, राइट? तो देखिए इसको जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो ये इस पूरी क्वांटिटी को एक मान लीजिए, दूसरा ही है। तो बेसिकली वी आर डूइंग द स्केलर प्रोडक्ट। तो इसका मॉड लेंगे और हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है। सो फर्स्ट वी हैव टू सी, इसको लिख देंगे ए क्रॉस बी, इसका मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ सी एंड कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो मतलब ये है कि इसको आपने मॉड लिया, जैसे हम करते थे दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट में करते थे, कि जो भी है, क्योंकि ये एक वेक्टर है, ए क्रॉस बी इज अ वन वेक्टर, तो उसका मॉडुलस लिया, इंटू सी का मॉडुलस लिया, इंटू एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी। अब देखिए ए क्रॉस बी जैसे ही करेंगे, ए क्रॉस बी अगर आप करते हैं तो वेक्टर हमें मिलता है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। दिस इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, दिस इज द वेक्टर ए क्रॉस बी, राइट? और ए क्रॉस बी और सी वेक्टर है, सी वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए, लेट्स से दिस इज द थीटा एंगल। सो वी हैव रिटन द थीटा एंगल, और ए क्रॉस बी जो शो करेगा दैट गिव द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड सी कॉस थीटा, मॉड ऑफ सी कॉस थीटा। अब देखिए सी कॉस थीटा को देख लें क्या चीज है, और अगर इसको परपेंडिकुलर डाल दें, दिस इज द मॉड ऑफ सी ओडी लेंथ, ओडी लेंथ, ओडी लेंथ जो है मॉड ऑफ सी है। सी कॉस थीटा अगर करेंगे तो लेट से दिस इज द एम पॉइंट, तो हमें ओम मिलता है, राइट? सो मॉड ऑफ सी कॉस थीटा, मॉड ऑफ सी कॉस थीटा इक्वल्स टू दिस ओ एम लेंथ, दिस इज द ओ एम लेंथ। सो वी कैन राइट द मॉड ऑफ सी कॉस थीटा इज इन टू, दिस इज द प्लेन मल्टीप्लीकेशन, सो इन टू ओ एम, राइट? डॉट लगा देंगे एंड दिस इज इक्वल टू ओ एम। सो बेसिकली इट्स अ हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टू हाइट। नाउ वी आर गेटिंग इन टू हाइट, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप्ड, राइट? सो वी कैन राइट द इट्स अ वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड, राइट? तो देखिए ये चीज आ गई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है दैट इज द ए क्रॉस ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी बोलेंगे, या ए क्रॉस बी डॉट सी। इट गिव द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड
एंड इम्पॉर्टेंट इज दैट तीनों जो साइट्स होनी चाहिए, दैट इज द काउंटर मेजर साइट्स दैट शुड इनिशिएट फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से इनिशिएट होने वाली हो. लाइक दिस इज द ऑरिजिन, सो दिस इज द वन वेक्टर ए, अनदर वेक्टर बी एंड अनदर वेक्टर सी, ऑल आर इनिशिएटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. सो दीज आर द थ्री काउंटर मिनट साइट्स, लाइकवाइज दे आर इनिशिएटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, सो दैट गिव द वॉल्यूम ऑफ दैट. और सेम अगर आप चेक करें, क्योंकि ये ए क्रॉस बी डॉट सी यूज किया है, बी क्रॉस सी डॉट ए यूज करेंगे तो भी इसी सेम पैरेलल पाइप का ही वॉल्यूम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ए बी को पहले ले लिया, बाद में सी लिया. अगर बी सी ए ले लें तो भी सेम ही होगा. सो वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री आर सेम, मीन्स दैट इज द ए बी सी इज इक्वल्स टू, वी कैन से द ए बी सी इक्वल्स टू बी सी ए, बी सी ए इक्वल्स टू सी ए बी, ये तीनों भी इक्वल हो जाते हैं. ए बी सी इक्वल्स टू बी सी ए इक्वल्स टू सी ए बी, बिकॉज दे आर द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सेम पैरेलल पाइप. दीज आर द वॉल्यूम ऑफ द सेम पैरेलल पाइप, दैट्स वाई ऑल आर इक्वल. बिकॉज अगर आपने बी और सी साइड्स ले ली, तो ये जो बेस में इधर ये वाला साइड दिख रहा है उसका पहले एरिया आएगा और उस पर हाइट इधर की आ जाएगी, या सी ए ले लिया तो ये वाला एरिया पहले आएगा और दिस विल बिकम द हाइट एट द टाइम, राइट? सो ऑल विल बी गिव द वॉल्यूम ऑफ द सेम पैरेलल पाइप, राइट? ये पॉइंट क्लियर हुआ. इसके बाद में हमें जो लेना है, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो लेंगे.